नमस्कार दोस्तों, ऐसे अनेक विद्यार्थी जो सिविल जज की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या एडीपीओ जो आने वाली एडीपीओ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या ऐसे स्टूडेंट जो पीएससी की तैयारी करते हैं, उन सभी लोगों के लिए मध्य प्रदेश जीके यानी मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान अति महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो सामान्य ज्ञान का जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के बहुत प्रश्न आते हैं। आज इसी श्रृंखला में मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का एक वीडियो लेक्चर मैंने पहले भी अपलोड किया था, एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ जिसमें मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के बारे में हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पेपर में आ जाएं। आइए स्टार्ट करते हैं एमपी जीके यानी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान। तो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले राजकीय पुष्प, राजकीय वृक्ष तो आ ही जाता है बरगद, आप सभी को पता ही है। राजकीय पशु भी आ जाता है बारहसिंगा, लेकिन राजकीय पुष्प भी आ सकता है। अगर राजकीय पुष्प आ जाए मतलब फ्लावर आ जाए, स्टेट फ्लावर क्या है तो आपको याद रखना है सफेद लिली। सफेद लिली का जो फ्लावर है वो हमारे यहाँ हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है मतलब फूल है। प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर स्टैब्लिश हुआ, तो मध्य प्रदेश का प्रथम बायोस्फीयर जैव विविधता का जो रिजर्व है वो पचमढ़ी में स्थापित किया। पचमढ़ी का एक और प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है, तो पचमढ़ी लिखना है। प्रथम राज्यपाल आ सकते हैं, प्रथम मुख्यमंत्री तो हम सभी को पता है पंडित रविशंकर शुक्ल हैं, लेकिन राज्यपाल अगर आ जाए तो पट्टा भी सीतारमैया इज द करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल पट्टा भी सीतारमैया। बाघ की गुफाएं कहाँ हैं, ये प्रश्न कई बार आया है, तो धार में बाघ की गुफाएं हैं। संस्कार राजधानी के नाम से फेमस है हमारे मध्य प्रदेश की ऐसी राजधानी जिसको संस्कार राजधानी कहा जाता है, तो आंसर इज जबलपुर को संस्कार राजधानी कहा जाता है। ग्वालियर किस नदी के किनारे बसा है, ग्वालियर की नदी बहुत कम लोगों को पता होती है, ग्वालियर की जो नदी है वो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा है। वन क्षेत्र में सागौन का कितना प्रतिशत है, सागौन जो एक पेड़ है इसका कितना प्रतिशत फॉरेस्ट में किसका कितना परसेंट है, तो 17.88% आपको याद रखना है। फिंगरप्रिंट ब्यूरो कहाँ स्थापित है, फिंगरप्रिंट ब्यूरो के बारे में यदि प्रश्न आ जाए तो भोपाल इज द करेक्ट आंसर। अनदर क्वेश्चन इज मध्य प्रदेश के पहले चीफ जस्टिस अगर पूछे जाते हैं तो मध्य प्रदेश के पहले चीफ जस्टिस एम हिदायतुल्ला मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। मध्य प्रदेश पीएससी में रिटायरमेंट की एज कितनी है, तो आपको याद होना चाहिए 62 साल जो है मध्य प्रदेश पीएससी में रिटायरमेंट एज है। नगर निगम का प्रश्न आ जाए कि मध्य प्रदेश में कितनी नगर निगम है, तो मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर 16 नगर निगम है, इट इज द करेक्ट आंसर। धान अनुसंधान केंद्र कौन से जिले में स्थापित है, तो धान अनुसंधान केंद्र जो है बड़वानी में स्थापित है, बड़वानी जिले में। एक प्रश्न और आता है फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन मध्य प्रदेश में कब से हुआ, अगर ऐसा प्रश्न आता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट कब स्टैब्लिश हुई, तो 1 अप्रैल 1994 से फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हुआ। 73rd अमेंडमेंट जो पंचायती राज व्यवस्था का जो अमेंडमेंट है, 73rd अमेंडमेंट कौन से राज्य में सबसे पहले लागू हुआ, तो आपको याद होना चाहिए मध्य प्रदेश में 73rd अमेंडमेंट लागू हुआ। इसके उपरांत विधानसभा में हम सभी को पता है 230 सीटें हैं मध्य प्रदेश की, 230 सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है, यानी एससी यानी शेड्यूल कास्ट के लिए कितनी सीट रिजर्व है, तो 35 विल बी द करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश गोंडवाना, एक और एक प्रश्न है कि मध्य प्रदेश राज्य की सीमा कितने जिलों से टच होती है, कितने राज्यों से टच होती है, तो 5 राज्यों से टच होती है। मध्य प्रदेश में पहले पीएससी के चेयरमैन कौन थे, तो डीबी रेगे विल बी द करेक्ट आंसर। मिस्टर डीबी रेगे वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द मध्य प्रदेश लोकसभा आयोग। गैर कांग्रेसी सीएम यदि प्रश्न आ जाए कि मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे, द आंसर विल बी कैलाश चंद्र जोशी या कैलाश जोशी के नाम से याद रखेंगे। शहद उत्पादन में मध्य प्रदेश में कौन सा जिला अग्रणी है, द आंसर विल बी मुरैना। और राष्ट्रपति शासन पहली बार मध्य प्रदेश में कब लगा था, 1977 विल बी द करेक्ट आंसर। ग्वालियर की स्थापना किसने की थी, छठी सदी में राजा सूरज सेन द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। तो लास्ट क्वेश्चन पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ है, द आंसर विल बी मंदसौर। तो दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दी अपकमिंग एग्जामिनेशन एमपी जीके का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल लॉ इजी।